जय हिंद साथियों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं 20 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करूँगी जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि इसका उत्तर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न संख्या एक, भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, डी 1948 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 1928 में। प्रश्न संख्या दो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी कटक, सी मुंबई, डी तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी तिरुवनंतपुरम। प्रश्न संख्या तीन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ए जापान, बी नॉर्वे, सी ब्राजील, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए जापान। प्रश्न संख्या चार, शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 54, बी 64, सी 72, डी 82। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 64। प्रश्न संख्या पाँच, गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? ए मुंशी प्रेमचंद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए मुंशी प्रेमचंद। ऐसी ही रोजाना वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। प्रश्न संख्या छह, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए 6 खिलाड़ी, बी 7 खिलाड़ी, सी 16 खिलाड़ी, डी 11 खिलाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 7 खिलाड़ी। प्रश्न संख्या सात, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1977 में, बी 1957 में, सी 1963 में, डी 1958 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 1963 में। प्रश्न संख्या आठ, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भगवान दास, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या नौ, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? ए भोपाल में, बी रामेश्वरम में, सी चेन्नई में, डी हैदराबाद में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी रामेश्वरम में। प्रश्न संख्या दस, प्रथम महिला कैमरामैन का नाम क्या था? ए रेणु सलूजा, बी आशा दत्त, सी हनी ईरानी, डी अचल नागर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी आशा दत्त। ऐसी ही रोजाना वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। प्रश्न संख्या 11, भारत में पहली पूरी तरह से जैविक राज्य कौन है? ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी सिक्किम। इस
प्रश्न का सही उत्तर होगा डी सिक्किम। प्रश्न संख्या 12। सबसे पहले कोई हिंदी गाना किसकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था? ए वजीर मोहम्मद खान, बी के सी डे, सी मोतीलाल, डी कुंदन लाल सहगल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए वजीर मोहम्मद खान। प्रश्न संख्या 13। बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका कौन थी? ए जुबैदा, बी जेबुन्निसा, सी जमुना देवी, डी जददन बाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए जुबैदा। प्रश्न संख्या 14। इनमें से कौन सी आकाशगंगा का नाम नहीं है? ए आकाशगंगा, बी एंड्रोमेडा, सी एलिड्रा, डी टेडेपोल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी एलिड्रा। प्रश्न संख्या 15। योग के संदर्भ में सूर्य नमस्कार के कितने आसन होते हैं? ए 5, बी 10, सी 12, डी 14। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 12। ऐसी ही रोजाना वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। प्रश्न संख्या 16। नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी बंगाल में, डी दमन और दीव में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए केरल में। प्रश्न संख्या 17। राष्ट्रीय पंचायत कहां की संसद को कहा जाता है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी मॉरिशस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नेपाल। प्रश्न संख्या 18। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? ए कथक, बी कथकली, सी कुचिपुड़ी, डी घूमर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी घूमर। प्रश्न संख्या 19। प्रेगनेंसी में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए? ए बैंगन की, बी मशरूम की, सी कद्दू की, डी लौकी की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए बैंगन की। प्रश्न संख्या 20। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी एस डी शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही रोजाना वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।